नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 14 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 15वां चैप्टर है, प्रकाश। याद रखिए, आप लोग बड़े धैर्य के साथ इसे सुनिए, इस चैप्टर को। लास्ट में जो भी इसका निष्कर्ष होता है, इसे पढ़ने का जो भी उद्देश्य होता है, उसे बता दिया जाता है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस धैर्य के साथ सुनिए अच्छे से, ठीक है। आपने पतली झर्री अथवा छत से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्निदीपों, हेड लैंप से आते प्रकाश के किरण पुंज को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? ये आपका रेलवे इंजन का, देखिए, इस तरह से प्रकाश देती है। बात करते हैं प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बुजो कक्षा 6वीं में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है, याद करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ यानी कि ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। ये आपका लाइट हाउस है। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पेस्ट सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? एक मोमबत्ती और एक सीधी पाइप से देख रहे हैं, एक मुड़े हुए पाइप से, तो इससे देखेगा, इससे नहीं देखेगा, नॉर्मल सी बात है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है कि इसे किसी चमकदार पेस्ट पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पेस्ट भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है और प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा होगा इस तरह से? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पेस्ट दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? कक्षा 6वीं में आप पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? पहली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही, जिसमें खरगोश ने शेर को उसके पानी में उसका परावर्तन दिखाकर उसे मूक बनाया था। आपने पढ़ा होगा ये, कुएं के पानी द्वारा परावर्तन। आइए इससे उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 15.5 इस तरह से दर्शाए हुए काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से टकिए, जिसमें 3 पतली झर्रियां स्लेट बनी हुई। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक सीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च
लगी झुर्रियां दिखाई देती हैं। यह झुर्रियां झुर्रियों का पिति है, यह झुर्रियों का क्या है, पिति है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलों और उनके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा होगा। आपको नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है, निकल जाना है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे कि इसी कार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब होता है। यह मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपर सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार की प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए, अब दर्पण के पीछे एक ऊर्ध्वाधर रखिए, पर्दा रखिए, पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। क्रियाकलाप 15.3। शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज की 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल हो गया, शार्पनर रखिए। इस तरह से दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे भाग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखी बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर, चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर खींचिए। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब बात करते हैं दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या है ठीक आपसे आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर आती है? आइए इसे भी हम लोग जानते हैं। क्रियाकलाप 15.4 में प्रतिबिंब में दक्षिण बाम हाथ बाम प्रतीत होता है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दाहिने यानी कि दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए। आपको प्रतिबिंब में अपना कौन सा हाथ ऊपर उठता है? अब अपने वाम बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान का को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बूझो ने सड़क पर रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार का इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, जिसे
देखिए, शीशा में या किसी में इस तरह की समतल दर्पण में प्रतिबिंब में देखते हैं तो उसे सीधा एम्बुलेंस दिखाई देता है किसी चालक को। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी कि साइड से में ही यह अदला बदली होती है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाव नीचे नहीं दिखाई देता है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए, इसे समतल दर्पण के सामने पकड़िए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? इस तरह से जब रोगी वाहक के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च यानी दृष्ट दर्पण पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं, उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार कार के पास दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपको कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? गोलीय दर्पण से खेल। पहेली तथा बूजो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूजो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई, उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है, मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पेस्ट का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच जो आपकी होती है, ये भी एक दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वाकई चमका चमकदार पेस्ट का उपयोग अपने प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 15.5। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए, चम्मच के बाहरी पेस्ट को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए कि क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या फिर बड़ा है? इस तरह से ठीक है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब बना सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाए। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन या पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसी तरह के जो भी आपके पॉइंट हुआ करें उन्हें पकड़िए, उन्हीं की परिभाषा आपको जाननी है। आपको कोई महान ज्ञाता नहीं कि प्रयोग करना बैठ जाना है, प्रयोगशाला में चम्मच ढूंढते फिरना है। आपको बस पढ़ना है और निकल जाना है। वो कक्षा 7वीं के बच्चे अपने आप करते रहेंगे, उतना तुम दिमाग मत लगाइए। यहाँ क्या दिया गया? यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पेस्ट अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। यदि परावर्तक पेस्ट का उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पेस्ट अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पेस्ट उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। यह आपका परावर्तक पेस्ट हो गया, यह आपका परावर्तक पेस्ट इस तरह से, ये अवतल ये आपका उत्तल। ठीक है, ये क्या होगा? आपका अवतल और ये आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पणों दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ को एक गेंद लीजिए, इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लें। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल और बाहरी जो आपका पृष्ठ होता है वो उत्तल कहलाता है। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा? उत्तल पृष्ठ और ये आपका अवतल पृष्ठ।
हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए देखें क्या यह दर्पण प्रतिबिंब द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधानी क्या है? सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अभावी अवतल दर्पण लीजिए, जिसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर खड़ी दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण यानी कि स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। इस तरह से अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब होता है। हम लोगों ने इस तरह से किया होता बचपन में, बहुत करते थे, ठीक है, जलाने का काम, क्योंकि जो बॉक्स आता था उसमें ये निकलता था लेंस दर्पण, उसी की सहायता से इस तरह से प्रैक्टिकल करते थे। कागज जलना प्रारंभ हो जाता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए कि यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की सीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। याद रहे कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड इस तरह से किसी स्टैंड कोई प्रबंधन जो दर्पण को स्थिर रखे सके का उपयोग किया जा सकता है। पता लगाइए कि गत्ते की सीट लगभग 15 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर पर एक सफेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर तथा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी है? क्या इसका साइन लॉ जितना ही है? देखिए अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग कर अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे का पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15 में अंकित कर सकते हैं। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साई में बिंब से छोटा तथा बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख कान नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। टॉर्च कारों कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी आपकी अवतल है। दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। टॉर्च का परावर्तक बूजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उससे उत्सुकता
है कि क्या घंटी भी एक प्रकार की गोलीय दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल होता है। क्रियाकलाप 15.8, क्रियाकलाप 15.7 को अब दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण को लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15 की भांति सारणी में लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब बना प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पास दर्पणों साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। पता है चालकों के पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। उत्तल दर्पण के पास दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा। बात करते हैं लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने अवर्धक लेंस हैंड लेंस देखा होगा, यह बहुत छोटे फ्रेम को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों के देखने के लिए किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। यह आपका आवर्धक लेंस। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग भी जोड़ सकते हैं आप लोग। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए कि आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं। बे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, देखिए फिर से सुन लीजिए, बे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये आपके उत्तल लेंस की प्रमुख विशेषता है कि बे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो आपके अवतल लेंस होते हैं। ये आपकी अवतल लेंस की प्रमुख विशेषता है। ये आपको याद रखना है इस तरह के पॉइंट। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं, इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकस करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रियाकलाप 15.9। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। दर्शाए चित्र 15.23 में जो चित्र दर्शाए गए हैं, कागज की सीट लीजिए, लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपका कागज पर एक चमकदार बिंदु न हो। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। ये हम लोग बचपन में आपको याद होगा क्या करते थे। ठीक है, ये बुक्स भी बचपन के लिए तो लिखी गई है, वो तो हमें पढ़नी है। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अभी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त होता है? हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों को की प्रकृति साई बदलती है। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मुड़ना अपसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत जो आपका अवतल लेंस होता है वो आपतित प्रकाश को अपसरित यानी कि बाहर की ओर मोड़ना कर देता है, तो इसे आप लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। क्रियाकलाप 15.10। एक उत्तल लेंस लीजिए, इसे मेज पर रखिए, एक स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को
लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सकते हैं। विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न करना है तो आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या यह वास्तविक है या आभासी? अब लेंस की से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कर सकते हैं। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्या है वास्तविक है या नहीं? उत्तल लेंस द्वारा बना आवासीय प्रतिबिंब होगा आपका, ठीक है? आवासीय ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आवासीय सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। यह आपका अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। अब बात करते हैं हम लोग सूर्य का विकास, श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि यह प्रयाग वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से देखिए, इंद्रधनुष में कितने बर्ड होते हैं, यानी कि कितने रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। इन रंगों को याद रखना है आपको, ठीक है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश की किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। इस तरह से इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का विकास विभिन्न वर्णों का मिश्रण होता है? चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप 15.11। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म की एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफेद कागज की एक सीट अथवा सफेद दीवार में गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं? चित्र 15.30 की तरह। इस तरह से प्रिज्म सूर्य के विकास की एक किरणपुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देती है। यह दर्शाता है कि सूर्य के विकास में 7 वर्ण विद्यमान। इसलिए विकास को दृष्ट श्वेत विकास भी कहते हैं। श्वेत विकास के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। इसके नाम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्या हम इस 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत विकास प्राप्त कर सकते हैं? चलिए इसे भी देख लेते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र 15.31 ए के अनुसार इस तरह से दर्शाया। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा चित्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक
स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करें सके। डिस्क को दिल के विकास में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो बर्ड आपस में मिल जाते हैं। डिस्क स्वेद से विदित होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन का डिस्क कहते हैं। तेजी से घुमाने पर स्वेद विदित होता है। देखिए इस तरह पहली को एक अद्वितीय विचार आया। उसने एक वृत्ताकार का डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के सातों वर्णों को प्रिंट किया गया। चित्र 32:15.32 की तरह जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग स्वेद दिखाई देता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है? अवतल लेंस के बारे में जाना है, अवतल दर्पण के बारे में जाना है, उत्तल लेंस के बारे में भी जाना है, उत्तल दर्पण के बारे में जाना है, प्रतिबिंब के बारे में जाना है, बिंब के बारे में जाना है, आवर्धक लेंस के बारे में जाना है, पश्चिम दृश्य दर्पण के बारे में जाना है, प्रिज्म के बारे में जाना है, इंद्रधनुष के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आवासीय प्रतिबिंब, अभिसरित अभिसारी लेंस, अपसरित अपसारी लेंस। आपको याद रखिए ये सभी किताबें पढ़ने के लिए आपसे इसलिए कहा जाता है जिससे आपका बेस मजबूत हो। अब आपसे कोई पूछ ले कि अवतल दर्पण क्या है, कहीं आप शब्द आ जाता है तो आप उसी में खो जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको NCERT बुक्स पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो आपने क्या सीखा इसमें? प्रकाश सरलरेखा के अनुदिश गमन करता है। दूसरा पॉइंट है किसी भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। अगला है जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस पर्दे को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आवासीय प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आवासीय होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब की वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आवासी सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आवासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। लेंस उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आवासी सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वास्तविक वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। आवर्धक लेंस सदैव सीधा आवासी साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। स्वेद विकास आपका सात वर्णों का मिश्रण होता है। तो ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा सकते हैं। और PDF आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और भी जो आपकी स्टडी मटेरियल की PDF होती है हमारे, तो वो भी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, ठीक है। एक बार उससे हो सके तो पढ़ सकते हैं आप लोग, PDF से एक बार पढ़ लें, बस इतना काफी है। वैसे समझ में आ जाता होगा अगर आप लोग अच्छे से सुनते होंगे तो ये सभी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि इतना भी कठिन नहीं है, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखे गए। मुझे इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिल पाया जो जिसको मैं समझाऊं। क्या आप जानते हैं कि दर्पण अस्तों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं? कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्र तट के सायराक्यूज सिसरी नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्र 15:34 इस तरह से 34 दशा अनुसार दर्पण को लगाया। दर्पण को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया कि गया कि वे सूर्य के विकास को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सके। इस सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चून दिया गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, चकाचौंध नहीं हो जाता उसे, वे चकरा गए और भाग खड़े हुए।
या एक ऐसा उदाहरण है जो स्पष्ट करता है कि किसी प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। तो इसमें आप लोगों ने क्या जान लिया है प्रकाश के बारे में। अगला चैप्टर होगा हमारा 16, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। ठीक।